शांति। आज की तारीख है 1/2/19 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे न्यारे और प्यारे। और हम बच्चों को नष्ट मोहा बनाने वाले प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी मोह की रगें अब टूट जानी चाहिए, तुम्हारी मोह की रगें अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि ये सारी दुनिया विनाश होनी है। तो हम जिसमें भी मोह रखेंगे, चाहे व्यक्ति, चाहे वस्तु, चाहे पदार्थ, चाहे जमीन, चाहे धन, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जो भी हो, जब विनाश होगा तो सभी का विनाश होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, क्योंकि ये सारी दुनिया विनाश होनी है, इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में रुचि न हो, अंदर में दिल को वो चीज अच्छी नहीं लगनी चाहिए कि ये चीज मुझे चाहिए, ये चाहिए चाहिए कि जो चाहना है वो भी खत्म हो जानी चाहिए। प्रश्न है, जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है उनका टाइटल क्या होगा? मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? उत्तर है, रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है। जवाब दीजिए बाबा को आप सभी, कि आप जो रूहानी मस्ती में रहते हो तो आपको कौन सा टाइटल दिया जाए? बाबा कहते हैं मस्त कलंदर। मस्त कलंदर अपना टाइटल याद रखें। वही कलंगी धर बनते हैं, जिनको ये टाइटल है वही कलंगी धर बनते हैं। उन्हें राजाई पने की मस्ती चढ़ी रहती है, बुद्धि में रहता कि अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं। मस्ती उन्हें चढ़ती है जो रुद्रमाला में पिरोने वाले हैं। शिव की जो रुद्रमाला है उसमें जो पिरोने वाले बच्चे हैं उनको मस्ती चढ़ी रहती है। तो आप सभी अपने को भी उस रुद्रमाला के अंदर मणके के रूप में देख रहे हो ना? मस्ती चढ़ी हुई है ना? नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चय है। जैसे आपको भी निश्चय है कि हमें अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य प्रभु के। नंबर एक है, सदा इस ही नशे में रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर हैं, स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है, रूहानी पैगंबर बनना है। नंबर दो, कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे सतगुरु बाप का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी रोना नहीं है। बाबा कहते कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी रोना नहीं, वरदान है सतगुरु बाप का। ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूरत भव। बाबा कहते हैं कि हरेक में ज्ञान बहुत है लेकिन अब आवश्यकता है
गुणों को इमर्ज करने की। इसलिए विशेष कर्म के द्वारा गुणदाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूरत बन सबको गुण मूरत बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। तो सभी संकल्प करें आज जो अभी अभी बाबा ने हम बच्चों को बताया। आगे बाबा कहते हैं कि इससे व्यर्थ देखने सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। हाँ, बुद्धि गुणों को धारण करने में गुण मूर्त बनने में लगी रहेगी तो व्यर्थ से बुद्धि हट जाएगी। तो इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। तो इसमें हरेक अपने को निमित्त और अव्वल नंबर समझ सर्व गुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। बाबा कहते मिसाल बनो सबके लिए जो आपको देखकर वो गुण धारण करे। स्लोगन है मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञानदान। पक्का करिए मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञानदान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।